तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 26 फरवरी, आज का दिन जो न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। काफी डिटेल में मैं यहाँ पर चीजें कवर करूंगा। स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे काफी कुछ यहाँ पर, क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में, एडिटोरियल कवर करूंगा और उसके बाद में पूरा हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। हालांकि एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस जो है वो आज कुछ ज्यादा अलग नहीं है, आप लोगों को काफी ज्यादा मिक्सचर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया का भी मुद्दा चल रहा है उसी के ऊपर मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो पूरा फोकस जो है वो उसी के ऊपर रहने वाला है। तो पहले जितनी भी न्यूज यहाँ पर यूक्रेन के बारे में है, पहले एक उनका ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल की ओर बढ़ेंगे और फिर सारी चीजें हम लोग समझेंगे क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पेज जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो एक ओवरव्यू देने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। अगर फ्रंट पेज पर ही आप लोग जाएंगे तो सबसे पहला ही पेज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि एक तरीके से यहाँ पर काफी ज्यादा कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है, और यहाँ पर जो इंडिया के लगभग 470 जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रोमानिया जा चुके हैं। आप लोगों को पता था यहाँ पर ऑलरेडी 20,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं। अब एक कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे अभी अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये ट्रेंड कर रहा है अभी भी यूक्रेन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रेंड कर रहा है यूक्रेन, पुतिन, नेटो और यहाँ पर बेसिकली World War III, स्टॉप वॉर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ट्रेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये कि कंडीशन जो है वो अभी जो है बहुत ज्यादा और खराब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा ये बोल दिया कि हम लोग जो है वो कैपिटल लूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आसपास वाले रीजन में अगर आप लोग देखोगे पूरे में रशिया जो है वो ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और फुल बम्बार्डमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर जो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वहां पर भी एक दो जगह आप लोगों को इस तरीके के अटैक देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जो है यहाँ पर जान जा रही है। तो कंडीशन अभी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों के सामने है बिल्कुल सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। 3 घंटे पहले की लगभग आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर सब लोग जो है एक शेल्टर में, कई सारे लोग तो शेल्टर में एक तरीके से छुपकर बैठ गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। जी हाँ, ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में ये एक जो आदेश पारित किया गया यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा कि 18 से लेकर 60 साल के जो लोग हैं, इनके जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, वो देश नहीं छोड़ेंगे। मैक्सिमम आप लोगों को महिला बच्चे देखने को मिलेंगे जो छोड़कर यहाँ पर जा रहे हैं, उनको अलाउ किया गया है। बाकी और यहाँ पर जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जा सकते हैं उससे नीचे के लोग नहीं जाएंगे। इवन उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जा रही है, उनको बंदूकें दी जा रही है ताकि वो कल को लड़ सके। और यहाँ पर काफी सारी और भी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर ऐसी देखने को मिलेगी कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो आज के डेट में आर्मी के साथ में आकर खड़े हुए हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आर्मी जो है एक तरीके से उसको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या आज की डेट में बन गई है पूरी सिचुएशन। अगर यहाँ पर ये नहीं हुआ तो फिर सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन यहां तक ये बोला गया कि तैयार रहना आप लोग, इस तरीके ने बोतल के अंदर तेल वगैरह भर के उसके बॉम्ब बेसिकली तैयार रखना, ऐसी ऐसी भी बातें यहां पर बोली जा रही है। तो पूरा एक तरीके से विध्वंस आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर इनके, वो यहाँ पर आर्मी की ड्रेस में भी आए यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अपनी आर्मी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि पूरा यूक्रेन जो है वो आज की डेट में बोल सकते हैं कि काफी हद तक चीजों के कंट्रोल में यहाँ पर आ चुका है। तो अब मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये सारी बदतमीजी कटवाई किसके द्वारा गई है, एक छोटी सी बात अगर बोली जाए यहाँ पर तो सारी बदतमीजी कटवाई गई है नेटो के द्वारा, नेटो इन द सेंस, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यूएसए के द्वारा। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर बात करें, यूक्रेन को पता था कि वो रशिया के सामने टिक नहीं पाएगा, आप लोग भी समझ सकते हैं कहां यूक्रेन और कहां रशिया, पर फिर भी यहां पर ये क्यों टिक गए, यहां पर क्यों यहां पर लड़ रहे हैं बेसिकली किसके साथ में, पुतिन के साथ में। वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कल को कुछ अगर होगा तो नेटो जो है वो यहां पर साथ देगा, पर लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ हुआ नहीं, किसी भी नेटो के मेंबर ने साथ नहीं दिया। नेटो के मेंबर बस किस मुद्दे पर अड़ गए जाकर, उनको बस अपने हथियार बेचने, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यहां पर बोला गया कि तुम हमें एयर सपोर्ट दो, तो यहां पर ये इस तरीके सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इनके द्वारा एयर सपोर्ट दी गई, यानी कि दुनिया भर के मीम्स जो है वो यहां पर बन रहे हैं। इवन गुहार लगाई गई ऑल ओवर वर्ल्ड से कि भाई साहब सपोर्ट करो कहीं पर, कुछ तो देखो कि पूरी कंडीशन खराब हो रही है यहां पर। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी जहां से इनको सहूलियत यानी कि राहत मिलती हुई नजर आती है। इवन यहां पर अगर बात करें, साफ साफ यहां पर अगर बात करें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेटो टू सप्लाई द वेपन टू कीव, ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अपने हथियार सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके लिए तो मार्केट खुल गया भाई साहब यूक्रेन का। इनको चाहिए क्या था, ये तो चाहिए था इनको कि हम लोग अपना प्रोडक्ट बेचे जाकर, दुनिया लड़ेगी, इतने दिन हो गए यार कोई लड़ ही नहीं रहा ढंग से, प्रोडक्ट ही नहीं निकल रहे मार्केट में, मजा नहीं आ रहा यार दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा हरकतें की गई।
तो उसी के चलते आप लोगों के सामने यहाँ पर चीजें आप लोग देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी बनी हुई यहाँ पर, कंडीशन आप लोगों के बिल्कुल सामने है बिल्कुल कंप्लीटली अगर आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि कोई सोच ही नहीं रहा है कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो बंद हो जाए। हर एक इंसान ये सोच रहा है कि इस लड़ाई से किसका फायदा हो। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार देखा होगा गांव में भी होता है, गांव में क्या कहीं पर भी देख लो, गांव तो वैसे मुंह से निकल गया, आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोगों को चढ़ा देते हैं, ठीक है कि चल लड़ हम तेरे साथ हैं, और फिर क्या होता है फिर छोड़कर भाग जाते हैं। वही काम बिल्कुल सेम यहां पर बेसिकली अभी यूक्रेन के साथ में देखने को मिल रहा है। नॉट इवन ए सिंगल कंट्री इसके साथ में अभी आकर खड़ा हुआ है कि हाँ चल हम तेरे साथ में है यहाँ पर किसी भी तरीके से। दूर दूर से बातें तो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगा देंगे। अरे तुम्हारे सैंक्शन का हो क्या रहा है उसके ऊपर, वो पहले से अपना तामझाम डंडा बोरिया लिए बैठा है पुतिन, उसको सैंक्शन से थोड़ा तुम्हारे कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूरोप के द्वारा बोला गया फ्रीज कर देंगे इनकी सारी एसेट, करते रहो तुम, वो तो चाइना के साथ में जुड़ा बैठा है पहले से, तो इसका कोई मतलब पड़ नहीं रहा है। इवन 50,000 के करीब जो यूक्रेनियन है वो छोड़कर भाग चुके हैं पड़ोसी देशों में अपनी जान जैसे तैसे बचाने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो हर एक इंसान जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां पर। हालांकि अगर बात करें पुतिन के द्वारा भी काफी बड़ी बात बोली गई, पुतिन के द्वारा बोला गया जो भी यहां पर लोकल फोर्स है इनके, जो भी यहां पर इनकी आर्मी है यूक्रेन की, उनको बोला कि तुम यहां पर अपने हाथ में कंट्रोल ले लो, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से उनको बोला कि कूप कर दो, यानी कि एक तरीके से कूप कर दो, यानी कि तख्ता पलट कर दो, यानी कि एक तरीके से अपने हाथ में कंट्रोल ले लो, क्योंकि जो एक तरीके से यहां पर जो आज के टाइम में जो लीडर है वो एक सही तरीके चीजों को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो यहां पर ऐसी भी गुहार लगाई जा रही है। इसी के साथ में रेडिएशन देखने को मिल रहा था चेर्नोबिल जो यूक्रेन का पावर प्लांट है, तो यहां पर उसको अभी फिलहाल के लिए जो पावर प्लांट यहां पर सीज कर दिया गया है। तो काफी कुछ कंट्रोल हो चुका है। अब ये माना जा रहा है कि आज देखो कि मैक्सिमम लग रहा है चांस, जिसके तरीके से अगर बोल सकते हैं खुद यहां पर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं आप लोग अगर देख पाओगे, तो इसका मतलब ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही अब यहां पर आप लोगों को पूरा कंट्रोल रशिया का होता हुआ नजर आएगा। चलिए ये तो मैंने आप लोगों को रशिया की कहानी बता दी। अभी यहां पर एक और मुद्दा गरमा रहा है, ठीक है। वो मुद्दा क्या है कि इंडिया को बीच में लिया जा रहा है। इंडिया को क्यों बीच में लिया जा रहा है? इंडिया को यहां पर इसलिए बीच में लिया जा रहा है क्योंकि अभी जो बाइडन साहब से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा जो दोस्त है इंडिया वो यहां पर आज के डेट में क्या कर रहा है। वो तो रशिया को क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा है, उन्होंने कंडेम्ड भी अब तक नहीं बोला एक बार कि हम इसको कंडेम करते हैं। वो तो ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर मुद्दे को सुलझा लो। क्या ये सही है? इसके बारे में अगर बात करें इतनी सारी कंडीशन खराब होने के बाद भी इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर में, ठीक है, इनके यूएन के अंदर में। तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। या तो हम लोग किसी कंट्री के फेवर में वोट करें, या फिर किसी कंट्री के अपोजिट में वोट करें, या फिर हम लोग एब्सटेन कर जाएं। तो यहां पर एब्सटेन करना भी यहां पर कहीं ना कहीं उस कंट्री के लिए सपोर्ट होता है जहां पर सब उसको अपोज कर रहे होते हैं। मान लीजिए हम लोग एब्सटेन कर गए और जो कि मैक्सिमम चांस यहां पर लग रहे हैं, हम लोग यूएन में, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं डालकर हम लोग पीछे हट गए, हम लोगों ने वोट ही नहीं डाला कि हम लोग वोट ही नहीं डालते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबो। तो यहां पर एब्सटेन करना, नोटा तो वहां पर है नहीं, तो एब्सटेन करने का मतलब होता है नन ऑफ द अबो यानी कि नोटा। तो इंडिया यहां पर नोटा करेगा रशिया को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो समझ सकते हैं हमारे साथ खड़ा रहा। आप लोग देख सकते हैं ना 1971 में बकायदा बंदा साथ में आ गया था, खड़ा हो गया था, और यहां पर इसको देख लो यूक्रेन को हाथ लगा लगा कि चल चल हम तेरे साथ है, चल तेरे साथ है, और छोड़कर भागे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं बात आकर कि किसी ने भी साथ नहीं दिया, हिस्ट्री तुम लोगों को याद रखेगी, तुम लोगों ने कैसे धोखा दिया हम लोग को, तो कोई भी साथ में यहां पर नहीं आया। तो आने वाले टाइम में ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब एक और माहौल गरमा रहा है, जो कि कल काफी ज्यादा न्यूज यहां पर देखने को मिल रही थी। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज यहां पर ये बेसिकली लिथुआनिया, ठीक है। तो यहां पर जो लिथुआनिया है यहां पर इसके अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है। ये लोगों का मानना है कि नेक्स्ट नंबर जो है यहां पर इसका लगने वाला है, जो कि यहां पर लिथुआनिया का है, ठीक है। और आप लोगों को अगर बता दूं यहां पर ये क्यों है इसका नंबर, क्योंकि यहां पर आप लोग देखते हैं रशिया यहां पर है, बेसिकली रशिया वैसे तो बहुत दूर है लिथुआनिया से, पर लेकिन रशिया का ये पर्टिकुलर जो पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग बोल सकते हैं बाल्टिक सी के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है यहां पर, जब से यहां पर रशिया बार बार ये बोलता है कि नेटो का मेंबर न बनो, और ये सारे एक एक कर नेटो का मेंबर बन गए, जिससे रशिया जो है सबसे ज्यादा गुस्सा है, और नेटो जो है अगर इसके पास में जाकर बैठ जाता है तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये लिथुआनिया जो है यहां पर, ये आप लोग देखते हैं 2004 में बेसिकली इसका मेंबर बना, और बाल्टिक कंट्री जैसे इस्टोनिया हो गया, लिथुविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट, खासकर अगर बात करें यहां पर जब से नेटो के मेंबर बने हैं तो रशिया के काफी पड़ोस में आकर चीजें बैठ गई हैं। तो रशिया इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो इसके चलते आने वाले टाइम में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो इसका लग सकता है, और इसके पीछे कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक काफी बड़ा रीजन है यहां पर चाइना। चाइना क्यों रीजन है यहां पर? क्योंकि चाइना की जो बेसिकल एरिया है ताइवान, ताइवान को इसने अपने देश के अंदर एम्बेसी खोलने के लिए अलाउ किया, तो चाइना ने सारे रिलेशन जो है वो लिथुआनिया से यहां पर भी कट कर लिए गए, इसकी वजह से भी यहां पर न्यूज में। तो कई सारे लोगों को तो यहां पर ये मानना है कि अब इसका नंबर लगने वाला है, इसका नेक्स्ट नंबर रहेगा, देखिए तैयार रहना। तो ये भी कई सारी बातें बोली जा रही है।
तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो यूक्रेन के ऊपर यहां पर अभी ये सारी चीज देखने को मिली, यूक्रेन की जो हालत यहां पर की गई, ये एक तरीके की ट्रायल थी, यानी कि अभी यहां पर ये ट्रायल चल रहा था, अभी आने वाले टाइम में रशिया जो है वो काफी कुछ करने वाला है। पर लेकिन देखिए, फिर से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, जब तक यहां पर नेटवर्क कोई मेंबर टच नहीं किया तब तक चीजें सही है। अगर यहां पर नेटवर्क कोई मेंबर टच हो जाता है तो फिर आर्टिकल 5 जो है वो यहां पर खुल जाएगा, अब तक ओनली आर्टिकल 4 खुला होता। आर्टिकल 4 में क्या रहता है, अगर लगे कुछ गलत लग रहा है, इस तरीके से हरकतें लगे, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पर लेकिन चीजों को कंसल्ट कर लेते हैं चीजों को सुधारने के लिए। पर फिलहाल टाइम पे यहां पर आर्टिकल अगर 5 खुल जाता है तो फिर यहां पर एक तरीके से और बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। पर लेकिन जैसा जो बाइडन का भी रवैया देखने को मिल रहा है उसमें कुछ ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है कि ऐसे कोई आर्टिकल खुलने वाले हैं और आगे कुछ ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एक बड़ा ही मीडियम तरीके का रिएक्शन यहां पर निकल कर आ रहा है, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इससे ज्यादा यहां पर कुछ रिएक्शन निकल कर आएगा क्योंकि हर एक तरीके से यहां पर ये एंट्री कर चुका है आज की डेट में रसिया। आप लोग यहां पर एक कंट्री देख लेंगे, यहां पर बेलारूस, ठीक है। अगर बेलारूस जो है वो एक ऐसा एक कंट्री है जिसके बारे में बोल सकते हैं कि यूरोप का एक लोता यहां पर ऐसा शासन है जो आज के डेट में जो एक तरीके से तानाशाह है यहां पर, वरना यूरोप में सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर यहां पर बात आ गई जैसे यहां पर यूरोप बेलारूस के थ्रू भी यहां पर बेसिकली यूक्रेन के अंदर एंट्री कर लिया आसानी से, तो कल को चलकर यहां पर बेलारूस ही है बस बीच में। अगर रसिया को यहां पर पहुंचना है तो बड़ी आसानी रहेगी यहां पर इसके पहुंचने में, तो इसलिए यहां पर इसने इमरजेंसी लगा दी है, तो ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब सब यहां पर रोटी सेक ही रहे थे तो यहां पर कई काफी सारी एक तरीके से नहीं एक तरीके से अपने हथियार भेज देते हैं, वो सारी बातें, तो यहां पर सारी चीजें सही चल रही है तो हम क्यों पीछे हटें, ठीक है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बड़ी ही सही बड़े सही टाइम पर बात की गई है कि सरप्राइज एनिमी विद इंडियन आर्म्स, यानी कि अपने हथियारों से दुनिया को सरप्राइज करो। कहने का मतलब यहां पर है कि हमारी कंट्री में हम लोग खुद अपने जो हथियार है वो बनाए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम करें, क्योंकि कल को चलकर कुछ भी हो सकता है। कल को चलकर ये इंडिया और पाकिस्तान को लड़ा दे भाई साहब आपस में, इंडिया को चाइना के साथ में लड़ाने की कोशिश कर दे, क्यों, क्योंकि तो इनके तो हथियार बेचे जाएंगे। और आप लोगों को पता है यहां पर ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री जो कि यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर 2015 से लेकर 2019 तक का बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार किसने खरीदे हैं, तो पहले नंबर पर है सऊदी अरेबिया। उसका तो रीजन था क्योंकि यमन के साथ में वार चल रही थी, पड़ोस में ईरान बैठा हुआ था, तो यहां पर भी माहौल बनाया गया उन्हीं के द्वारा। देखिए जहां जहां लड़ाई चल रही है ना वहां वहां हथियार बेचता हुआ यूएस से आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो कभी चाहते ही नहीं है कि दुनिया में शांति रहे, जहां भी आप लोग उठाकर देख लो उनका बेसिक पर्पज होता ही है कि जहां दिक्कतें रहेंगी तो हम अपनी रोटियां सेक पाएंगे। और ऐसा ही चल रहा है इनका सऊदी अरेबिया के अंदर, अगर आप लोग जाकर देखोगे तो वहां पर भी इसी तरीके से दुनिया भर के हथियार इनके द्वारा बेचे गए। दूसरे नंबर पर इंडिया, क्योंकि एक साइड में चाइना बैठा है और एक साइड में पाकिस्तान बैठा है, तो इंडिया को मजबूरन यहां पर इतने हथियार खरीदने पड़ते हैं, वरना हम लोग अच्छी जगह पैसा लगा ले अपना। फिर नेक्स्ट इजिप्ट देखने को मिलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और फिर चाइना है यहां पर, ठीक है। अगर बेचने वालों में आए सबसे ज्यादा तो आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा बेचने वालों में कौन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर फ्रांस। ये सारी वो कंट्री है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कि हथियार का बड़ा जखीरा रखती है। इंडिया ने अभी चीजें स्टार्ट की है, तो अभी तो उन्होंने कहते हैं हम जब आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आगे आगे देखो अभी होता क्या है। तो यहां पर इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहां पर ये बोल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं जो कि यहां पर आप लोग जिसके बारे में याद रख सकते हैं। तो मुद्दा भी यहां पर ये बोला गया कि आने वाले टाइम में हम लोग जो है अपनी कंट्री के अंदर हथियार बनाने चाहिए, पता नहीं कौन सी कंट्री कल को मुंह फेर जाए और हम लोगों के ऊपर यहां पर आपदा आ जाए, तो इसलिए हमको अपने हिसाब से यहां पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। पुतिन साहब ने बोला है कि वो बात करना चाहते हैं, ये काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिली है। पुतिन साहब बोल रहे हैं कि यहां पर वो बात करना चाहते हैं यूक्रेन के साथ में, ठीक है। तो ये बोला है उन्होंने शी जिनपिंग को, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट को, कि बात कराने का जुगाड़ करा जाए। यानी कि उनको एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि जितना ज्यादा यहां पर अग्रेशन होगा उतना ही ज्यादा खून खराब होगा। अभी यहां पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया कि वो क्या करें जब यहां पर आर्मी की ड्रेस पहनकर ग्राउंड में उतरे, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं जो है मैं लड़ूंगा, ठीक है, उन्होंने कहा कि अपन झुकेगा नहीं, तो वाली बात इनके द्वारा बोल दी गई यहां पर। तो उसके चलते जो जनता है आम जनता में भी जोश आ गया, उन्होंने भी हथियार उठा लिए और कुछ हथियार इन्होंने बांट दिए लोगों के अंदर में, तो आज के डेट में जो आम जनता है वो भी यहां पर ट्रेनिंग लेती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर माहौल के अंदर में अभी कंडीशन क्या बनती है, तो मुझे लगता है शायद आज शाम या फिर मैक्सिमम कल सुबह तक आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी कि यहां पर कंट्रोल हो चुका है और चीजें जो है वो यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब देखो कैसे होता है, क्योंकि यहां पर रशिया का भी कोई कम नुकसान नहीं हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का नुकसान देखने को मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये इनकी लड़ाई हो रही है तो दुनिया को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ऑयल के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल जो है वो बढ़ गए, ठीक है। ऑयल के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से काफी ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर भी, जो कि यहां पर हमारी कंट्री खासकर इन्फ्लेशन में अभी जूझ ही रही है। COVID-19 के बाद में ये था कि यार चीजें थोड़ी सुधर जाएंगी, ठीक है, पर लेकिन चीजें और ज्यादा बिगड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। कहीं यहां पर यूएसए की हरकतें देखने को मिल रही है अफगानिस्तान में, अभी चाइना की ताइवान में देखने को मिल रही थी, अभी रशिया की यूक्रेन में आप लोगों को देखने को मिल रही है।
तो कहीं भी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल लग ही नहीं रही है आने वाले टाइम में। तो जो कंट्री जैसे हमारी कंट्री है, हम लोग लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके चलते दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, दिक्कत ये देखने को मिलेगी अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम में कल को चलकर इन कंट्री में लड़ाई हो रही है तो हमको दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है हम लोगों ने कुछ जुगाड़ नहीं किया है, थोड़ा सा जुगाड़ भी किया है। ये ऐसी चीज है जो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ऑयल रिजर्व के लिए हम लोग अपना जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि 1990s में जब हमारा देश जो है वो यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म लेकर आया उस टाइम पर हमारी कंट्री में काफी बड़े क्राइसिस हो गए थे। ये माना जा रहा था कि एक हफ्ते का भी तेल खरीदने के पैसे हमारे पास में नहीं बचे, तो इसके लिए हम लोगों ने ऑयल रिजर्व बनाने स्टार्ट कर दिए। और खासकर कहां बनेंगे, ये साउथ इंडिया में बनेंगे क्योंकि आसानी से बाहर से तेल लाकर जहाज में भरकर हम लोग यहां पर रख सकते हैं, तो इसलिए यहां पर ऑयल रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पादुर हो गया, मैंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, इसी के साथ में चंडीकोल हो गया, तो ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर में हम लोग ऑयल रिजर्व बना रहे हैं और काफी बड़े बड़े ऑयल रिजर्व बना रहे हैं और आने वाले टाइम में और जगह भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी है स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये एक तरीके से हम लोग फैसिलिटी कर रहे हैं किसके हेल्प से, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम जो रिजर्व लिमिटेड है इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये यहां पर तो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बना रहे हैं यहां पर इस कंपनी के हेल्प से, ताकि आने वाले टाइम में अगर कल को चलकर जैसे अभी माहौल बना है कोई और ऐसा माहौल बनता है तो चीजों को हम लोग संभाल सके। और किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में देखने को मिलेगी। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो यहां पर एक तरीके से इन चीजों को देखता हुआ नजर आएगा। तो 2005 में ये चीजें हम लोग को समझ में आने लगी थी कि आगे आने वाले टाइम में चीजें देखने को मिलेगी, इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा आज के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी पर अपना फोकस देकर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है कंडीशन जैसी देखने को मिल रही है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा अनसर्टेनिटी यानी कि ये दिक्कतें दुनिया में आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो इसलिए यहां पर अभी कंडीशन जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे सिचुएशन जो है थोड़ी सी और नॉर्मल बनी रहे, ठीक है। बाकी क्या क्या और चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि आज के डेट में जैसे कि स्टॉक मार्केट वो है वो क्रैश हो गया है, डॉलर का जो वैल्यू है अगर बात करेंगे यहां पर डॉलर की जो वैल्यू है किसके कंपेयर में, रुपी के कंपेयर में, वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी रुपी डाउन हो गया, 76 रुपी पर डॉलर यहां पर हो गया जो कि लगभग 73-74 के करीब यहां पर चल रहा था। तो ये इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इसके चलते दिक्कतें यहां पर निकल कर आएगी, ठीक है। और अभी यहां पर जैसा मैंने अभी बताया यहां पर अभी यूएनएससी डिसाइड करने वाली है और कल को चलकर अगर स्विफ्ट जो है, देखिए ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं सोच रहा था इसके ऊपर कोई आर्टिकल आएगा पर लेकिन आर्टिकल अभी आ नहीं रहा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू बता देता हूं। स्विफ्ट एक तरीका सिस्टम है जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। इस स्विफ्ट में से सबसे लेटेस्ट मेंबर जो अभी निकाला गया था वो ईरान निकाला गया था, तो उससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं ईरान की जो इकोनॉमी है वो कैसी हो गई यहां पर। इसका मतलब ये था कि तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाओगे, यानी कि पैसा जो है अगर तुमने कहीं से कुछ खरीदना है कुछ बेचना है तो तुम यहां पर पैसा अपने तक लेकर आ ही नहीं पाओगे, तो उसकी वजह से स्विफ्ट जो है वो यहां पर न्यूज में आ गया और बार बार ये बात की जा रही है कि स्विफ्ट जो है उसकी हेल्प लेकर यहां पर बेसिकली बैन कर देना चाहिए। आखिर ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं बेसिकली सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकोम्युनिकेशन, यानी कि आज की डेट में अगर हमारे देश में से आप लोगों को जैसे कहीं बाहर पैसा भेजना है, ठीक है, या फिर बाहर से हमारे देश में पैसा आना है तो ये सारा जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें आप लोगों को स्विफ्ट सिस्टम यहां पर नजर आएगा। अगर ये स्विफ्ट सिस्टम यहां पर हटा दिया जाए तो फिर कोई कनेक्शन ही नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो पेमेंट कैसे होगा, तो ये वाली बातें यहां पर निकल कर आ रही है, इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में सब बार बार यहां पर बातें कर रहे हैं कि स्विफ्ट सिस्टम क्यों न्यूज में, स्विफ्ट सिस्टम क्यों न्यूज में, वो इसीलिए न्यूज में क्योंकि फिलहाल जो है ईरान जो निकाला गया था अभी यहां पर रशिया को बोला जा रहा है इससे निकाल दे, और रशिया इसीलिए डर रहे हैं अगर कल को यहां पर स्विफ्ट सिस्टम से निकाला जाता है तो हम लोगों ने जो S-400 सिस्टम खरीदा है अभी, ठीक है, तो उसका पेमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो यानी कि आने वाले टाइम पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें और देखने को यहां पर मिल जाती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि चाय और ये सारी चीजों का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी वो इंपैक्टेड होने वाली है, वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग यहां पर सप्लाई करते थे, और इसी के साथ में कुछ चीजें अच्छी भी होंगी जैसे कि गेहूं वगैरह का हम लोग एक्सपोर्ट यहां पर कर सकते हैं। तो कोविड-19 के बाद में जो एक रिकवरी की बात की जा रही थी तो वो रिकवरी यहां पर अभी देखने को मिल नहीं रही है जल्दी से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं और बाकी यहां पर आप लोगों को पता ही है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहां पर बेसिकली एक होता है जो आप लोगों को पता है यहां पर ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस में यहां पर रशिया आता है, तो ओपेक प्लस में अभी यहां पर रशिया जो है उसकी खस्ता हालत रखी है, तो एक ह्यूज इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है ऑयल के प्राइस पर भी, जिसके चलते कई सारी बातें बोली जा रही है कि कैसे चीजें जो है वो जल्दी नॉर्मल होगी, देखने वाली बात है। यानी कि फायदा किसी को नहीं है, सब चारों तरफ से सबको नुकसान है, पर लेकिन हाँ ये है कि जैसा सोचा गया था अभी यहां पर जैसे मान लीजिए अभी अगर रशिया की हिम्मत बढ़ गई तो कल के चल के और ज्यादा इश्यू देखने को मिल सकते हैं, अब वो थोड़ी सोचने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे जो थे यहां पर ये लगभग फ्रंट पेज पर और यहां पर अलग अलग 8वें पेज पर 11वें पेज पर 12वें पेज पर अलग अलग जगह बिखरी खबरें थी यहां पर जो मैंने इकट्ठी कर आप लोगों को यहां पर बताई है, ठीक है। इसमें एक एडिटोरियल भी था कि क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है, वो वाला भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है।
एक यहां पर जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान में पहली वुमेन जज बनाई गई, उनका नाम बताइए, मैंने आप लोगों को नाम बताया था, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर बाइडन के द्वारा नॉमिनेट किया गया, यहां पर इनका नाम है केटांजी, ठीक है, केटांजी ब्राउन जैक्सन जो है, इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है वो टॉप कोर्ट के अंदर सर्व करने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार यहां पर आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आप लोग नोट डाउन यहां पर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में जो यूक्रेन क्राइसिस है उस पर श्रीलंका ने बोला है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखो, तो यहां पर मुझे बड़ी हंसी आ गई। श्रीलंका सोच रहा होगा मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका ने बोला डिप्लोमेसी के थ्रू चीजों को रिजोल्व कर लो। अरे तुमसे पूछा किसी ने, तुम अपने वही संभालो चीजों को, तुम्हारी वैसी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि कहानी बिल्कुल खराब है, तो मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं, तो भैया हम भी कोई कमेंट कर देते हैं बीच में यार, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो वो वाली बातें हो रखी यहाँ पर। तो श्रीलंका ने बोला हमसे भी पूछ लो यार थोड़ा सा, हम भी हैं इस दुनिया में, तो हमसे कोई बातें ही नहीं कर रहा है इसके बारे में, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग है ही नहीं है, ठीक है। तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए ये था यहाँ पर इसके बारे में आर्टिकल। अभी यहाँ पर श्रीलंका की ओर ही मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के जो फिशरमैन है उनको पकड़ लिया गया श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो उसी के बारे में एक एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो एडिटोरियल की ओर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो उस एडिटोरियल में हम लोग कई सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेसिकली। और हाँ, आप लोगों को लगता है देखिए कई बार ना मॉर्निंग में जैसे मैंने बोला था वीडियो जो है थोड़ी सी लेट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे प्रोसेसिंग में कल भी बहुत ह्यूज टाइम लगा, पता नहीं क्या है जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है ना तो उनको और ज्यादा टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में, कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है ना कि मैं आप लोगों को बॉम्ब बनाने सिखा रहा हूँ, वो वाली फीलिंग लेने लगता है यूट्यूब, और फिर प्रोसेसिंग करने में दबा कर टाइम लेता है और फिर पब्लिश करता है उसको। तो कल भी इसी तरीके की फंडस के द्वारा किया गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों से बोलता हूँ जैसे आते ना वीडियो को थम्स अप कर दिया करती आप लोग, ठीक है, उससे उसको पता चलता रहता है कि वीडियो जो है वो सही है, ये फीडबैक ही तो होता है, या फिर कमेंट कर दिया करो तो कि हाँ गुड मॉर्निंग जो भी आप लोगों को लगे, इससे क्या रहता है इससे उसको यूट्यूब को पता चलता है कि चीजें सही है, ठीक है, क्योंकि कमेंट भी रीड करता है, आप लोगों को पता होगा यूट्यूब जो है वो कमेंट भी स्कैन करता है, तो उससे ये रहता है कि उसको जो भी कोई गलत कमेंट होता है वो उसको रिव्यू में डाल देता है, ठीक है, ये सारी चीजें वो करता है ऑलरेडी, तो आप लोगों का फीडबैक होता है जैसे जैसे आप लोग चीजों को लेकर चलते रहते हो। तो ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए जिससे कि चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। श्रीलंका जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश है, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में रस्साकसी यहाँ पर चलती रहती है। तो इसके ऊपर एक एडिटोरियल है, अभी अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ, वन सेकेंड कहाँ गया यार, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी मैक्सिमम जो है वो यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड का ऑर्डर कैसा होना चाहिए। वास्तव में नेटो के द्वारा हरकतें की गई, आप लोग क्या लगते हैं यहाँ पर ये नेटो के द्वारा हरकतें की गई, किसके द्वारा हरकतें की गई और आगे चलकर क्या सिचुएशन बन सकती है, वो सब मुद्दे यहाँ पर। और इसी के चलते रसिया और चाइना की जो टाई है वो और ज्यादा यहाँ पर मजबूत होती है आप लोगों को नजर आएगी, क्योंकि रसिया जो हो गया है वो चाइना के मतलब का हो गया, चाइना जो हो गया वो रसिया के मतलब का हो गया, तो आगे आने वाले टाइम में रसिया और चाइना जो है वो एक नया गुट बनाते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को मैंने बताया था ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए, तो ईरान भी आज के डेट में रसिया और चाइना के खेमे में जाकर खड़ा हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को टिल्टेड होता हुआ नजर आएगा, तो एक नया गुट सा बनता हुआ आप लोगों को नजर आएगा दुनियादारी के अंदर में, जिसके चलते कंडीशन देखने को मिल सकती है। अभी अर्जेंटीना के बारे में आप लोगों को जिक्र किया था, अर्जेंटीना का जो फोक आइलैंड है वहां पर चाइना ने दुनिया भर के पैसे दे दिए ब्रिटेन को उकसाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये तो सारे आर्टिकल उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर तो मैंने बताया दिया, ये सारे हुए दोनों आर्टिकल यूक्रेन से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले यहाँ पर इंडिया श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बताऊं यहाँ पर, देखिए एक मिनट रुकिए कहाँ गया, आज पीपीटी थोड़ी सी इतनी सारी हो गई है ना जो इसके यूक्रेन के चक्कर में स्टार्टिंग में, तो वहां पर काफी सारी चीजें देखने को मिल गई। यहाँ पर केरला के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया केरला, केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया के साथ में कनेक्ट करता है, साउथ इंडिया में बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर केरला के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसके थ्रू यहाँ पर जो फास्ट रेल सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, तो इसके चलते क्या होता है जब यहाँ पर फास्ट रेल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो ये कई सारे एरिया से जंगलों से होकर गुजर रहा है, कहीं मतलब कहीं जंगल हो गए, कहीं रोड हो गई, कहीं नदियां हो गई, तो सबको क्रॉस करता हुआ यहाँ पर ये जा रहा है। और इसको बेसिकली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया यहाँ पर, तो केरेल भी कई बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, वैसे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर बोल रहा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर 532 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है वेस्टर्न घाट के अंदर में, तो इसके चलते काफी सारा पैसा भी खर्च होगा यहाँ पर। तो ये बोला जा रहा है कि जो रास्ता है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ये सारा जो एरिया है ये आप लोगों को वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर स्पीड की जो ट्रेन है वो लगभग 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, ठीक है।
और आने वाले टाइम में यहाँ पर जो पीरियड है तो उसके चलते 2020 से लेकर 2024 तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की बात की जा रही थी, पर लेकिन अभी कंडीशन खराब हो गई थोड़ी सी, तो आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ चुकी है अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग बात करें तो। अभी जब हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया भी था यहाँ पर कि ये वो एरिया है जो कि यहाँ पर अलग अलग कमिटीज के द्वारा, जैसे यहाँ पर गडगिल कमेटी होगी और कस्तूरी रंगन कमेटी होगी, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा ऑलरेडी बोला जा चुका है कि वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है भाई साहब ये काफी ज्यादा एक तरीके से फर्जाइल एरिया है, इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट के काम आप लोग मत करना। पर लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इवन आप लोगों से याद होगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में कि वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से रेगुलरली कई बार रिपीटेडली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं ये आप लोगों को बताना है, इससे पता चलेगा मुझे कि हाँ आप लोगों को चीजें याद है या फिर याद नहीं है। ठीक है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, जो संडे में मैंने बोला था अब की बार संडे में आप लोगों की क्वेश्चन की वीडियो आएगी। ठीक है, बोला था ना मैंने कि आप लोगों की संडे में अब की बार जो है नैनो मैगजीन का पूरा रिवीजन जो होगा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे, तो उसको आप लोग सुनना, टाइमिंग वही रखेंगे शाम को जो आप लोग की आती है 8:30 बजे, तो उसको आप लोग इंजॉय करिएगा अच्छे से, जिसमें आप लोगों को अच्छी सी चीजें आप लोग एक तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। प्रीलिम्स वगैरह पेपर पास मारे ना तो प्रैक्टिस पर फोकस देना थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पर स्टार्ट कराऊंगा, टेंशन मत करिएगा। और भी क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे जिससे कि अच्छे लेवल पर आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। कई सारे बच्चे बोले थे सर क्वेश्चन की वीडियो, तो क्वेश्चन की वीडियो आप लोग इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, सारी चीजें आराम आराम से चलती रहेगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली गडगिल कमेटी के बारे में। तो इसने तो बोला था पूरे जो इकोलॉजिकल जोन में क्रिएट कर दो पूरे वेस्टर्न घाट को। आखिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होता है या इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये बन सकता है क्वेश्चन कि कौन इसको क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जिसके हिसाब से हम लोग ये एरिया जो है वो क्रिएट करते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग यहां पर याद रखते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली एक तरीके से जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा कम कर दी जाती है। ये यहाँ पर 100 मीटर से लेकर आप लोगों 10 मीटर से लेकर यहाँ पर ये 100 मीटर से लेकर लगभग 10 किलोमीटर तक का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया देख सकते हैं। ऐसा नहीं है फिक्स है कि इतना ही रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके कोई कंस्ट्रक्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं ऐसा यहाँ पर खुदाई उदाई करेगा करते, यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो सोचो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर अगर हम लोगों ने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर आज की डेट में कोई कुछ कर ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई गांव हो गया वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाएगा, तो कई बार ये लगता है कि वहां पर डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार यहाँ पर कई सारी बातें बोली जाती है। इवन कुछ दिनों पहले एक केस भी था आप लोगों को याद होगा कर्नाटक के बारे में, एक पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था शायद मैंने, एक मिनट रुको, ये देखो यहाँ पर कर्नाटक के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया था सेंटर को कि यहाँ पर कस्तूरी रंगन की जो रिपोर्ट है यहाँ पर वेस्टर्न घाट को लेकर, तो उसको यहाँ पर अपोज किया गया था। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के द्वारा बोला गया 37% जो वेस्टर्न घाट है उसको यहाँ पर इको सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर कस्तूरी रंगन ने तो 37 बोला था, गडगिल ने तो भाई साहब पूरे वेस्टर्न घाट को बोला था कि यहाँ पर आप लोग क्या करो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्रिएट कर दो। पर लेकिन कर्नाटक ये बोला है अगर इस तरीके से हम लोग इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्रिएट कर देंगे तो कल को चलकर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करोगे और हम यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, हम लोगों तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके नहीं दे पाएंगे, लोगों को कैसे हम लोग जॉब क्रिएट करके देंगे। तो इसके बारे में यहाँ पर ये मुद्दा हो गया है। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो सड़कों पर आए इस प्रोजेक्ट को लेकर, और जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर अभी जो केरला के अंदर में, तो इसी के चलते यहाँ पर अभी ये जो है इसके आड़े अड़ंगे अड़ रहे हैं। पहले ये बोला जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं रोकेंगे, बड़ी फ्रीक्वेंटली आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में ये देखने वाली बात है कि इसके सामने कोई और प्रॉब्लम आती है या फिर आसानी से जैसे ट्रेन चल रही है स्पीड में उसी स्पीड में यहाँ पर ये निकल जाएगा, तो ये वाला मुद्दा भी आगे देखने को मिलेगा। यानी कि अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे आप लोग कुछ ऐसा एस्टीमेट लगा नहीं सकते जैसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो यानी कि देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और सैटरडे में आप लोगों को पता है सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है, तो काफी माइन्यूट लोकल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं जिनको आप लोग यहाँ पर कम से कम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ये आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है, उनके नाम दे रखे हैं, वो सब चीजें प्रोजेक्ट के बारे में जरूर याद रखिएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। केरला के अंदर है, वेस्टर्न घाट के साथ में कनेक्टिविटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं भूलना है यहाँ पर। तो इस तरीके छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके चलते आने वाले टाइम में और भी सारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो वो कहीं इंपैक्ट डालता है तो उसकी न्यूज बन जाती है। तो रेगुलर डिस्कशन सुनने के ये तो फायदे रहते हैं, आप लोगों को एक नए लेवल की इनसाइट आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से उनको एंजॉय आप लोग करते रहिए।
और हाँ ये सारी बातें इसलिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगी थोड़ा सा यहाँ पर केरला के अंदर काफी बड़ी इंपैक्ट अभी देखने को मिला। केरला के अंदर बाढ़ वगैरह जब भी आ गई उसके उसके चलते भी इशू देखने को मिला यहाँ पर। और केरला जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेता है, रेमिटेंस मतलब केरला के लोग जो है वो सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर खासकर जो ऑयल वाली कंट्री है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो इन्हीं के द्वारा, रेमिटेंस मतलब पैसा जो है देश के अंदर सबसे ज्यादा केरला के द्वारा लाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री के लिए एक तरीके से जो राज्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो श्रीलंकन रूपी यहाँ पर करेंसी यूज की जाती है। मैप आप लोगों के सामने यहाँ पर ये, और कोलंबो और श्री जो यहाँ पर जयवर्धन कोट्टे, इसकी दो कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो श्रीलंका के द्वारा अभी क्या किया गया, अभी जो न्यूज सामने निकल कर आई वो ये है कि श्रीलंका के द्वारा हमारे कई सारे फिशरमैन को फिर से पकड़ लिया गया, और ये बड़ा ही रेगुलर प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो लगभग 22 फिशरमैन है वो फिर पकड़ लिए गए, 29 अभी यहाँ पर पकड़े गए थे, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बोट भी पकड़ लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं। जैसे इनकी बोट अगर पकड़ी जाती है तो दिक्कतें क्या निकल कर आती है, दिक्कतें सीधी निकल कर आती है। मछुआरे जो है ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नॉर्मल एरिया में आप लोग किसान बोल सकते हो, किसान क्या करते हैं जैसे तैसे कर अपना जुगाड़ किया, उसके बाद में अपना एक तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली ले लिया, या फिर छोटा बुग्गी आप लोगों ने देखा होगा, भैंसा और बोगी जोड़ते हैं उसके पीछे, ठीक है। एक अपने भैंस वगैरह खरीद ली, उससे दूध वगैरह निकाल कर बेचने लगे, तो जैसे तैसे जोड़कर अपना जुगाड़ करते हैं। तो वही इनके लिए नाव होती है, नाव इनके लिए पैसा कमाने का साधन होता है। और नाव अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में आप लोगों ने ही देखने को मिलेगी यहाँ पर इनके पास में, तो फिर ये बेरोजगार होते हैं, अपना घर कैसे चलाएंगे। तो इनकी नाव जो है वो काफी लार्ज स्केल पर जब्त कर ली जाती हैं। और यहाँ पर जब जब ऐसा इशू देखने को मिलता है तो इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ पर जो श्रीलंकन है उनके बीच में बातें भी होती है कई बार, पर लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। और यहाँ पर रीजन जो सबसे बड़ा यहाँ पर रहता है इनके पकड़ने का, तो ये बोलते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश के मछुआरे जो है वो ट्रोलर को यूज करते हैं। ट्रोलर क्या होते हैं यहाँ पर, जब आप लोग जमीन से ऐसे इसको घिसटते हुए लेकर जाओगे तो इसके अंदर दुनिया भर की मछली आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि मछलियों के साथ साथ में यहाँ पर आप लोग कछुए भी आ जाते हैं, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये ओशियन की तलहटी पर यहाँ पर खासकर नीचे तक जाता है और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल तलहटी पर जाए, क्योंकि ओशियन तो ऐसा नहीं है एक जगह सतह है, वहां पर किसी ने फर्श बिछा रखा है कि हम पूरा मछली आराम से पकड़ लो, ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे देखने को मिलता है। पर लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस मछली आएगी इसके अंदर में, तो और भी जो जीव जंतु होते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर समुद्र के अंदर, वो सारे भी यहाँ पर आप लोगों को भरे हुए इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए श्रीलंका के अंदर क्या कर रखा है, यहाँ पर ये जो ट्रोलर है इनके ऊपर बैन लगा रखा है, तो हमारे देश के फिशरमैन यूज करते हैं इनके एरिया में जाकर। तो यहाँ पर श्रीलंका की नेवी बड़ी बदतमीजी करती है यहाँ पर, वो क्या करती है, जो हमारे फिशरमैन यहाँ पर जो लाइन क्रॉस करते हैं उनको वार्निंग नहीं देती है, यानी कि आ जाओ तुम आ जाओ, जैसे आते हैं फिर उनको जपत लेते हैं वहां पर। तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन इंडियन जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली, हमारे जो फोर्स है हमेशा वार्निंग देते हैं जब भी वो लाइन क्रॉस करने वाले होते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग तो सभ्य इंसान की तरीके से काम कर रहे हैं, पर लेकिन श्रीलंका में आप लोगों को जो जो काम है वो असभ्य तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बहुत सारे जो यहाँ पर झड़पें निकल कर आती हैं। और हमारी कंट्री के जो फिशरमैन है आज के डेट में, यार देखो खासकर COVID-19 के बाद में चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई थी, अभी फिलहाल ये लगता है कि चलो थोड़ा कमा लेते हैं, काफी लंबे समय तक भुखमरी के कारण पड़े रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर कई बार ये क्रॉस कर जाते हैं, और एक है कच्चा द्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाकर ये कई बार मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये तो कॉन्ट्रोवर्सी बन चुके आज के में तमिलनाडु के बीच में और बेसिकली श्रीलंका को लेकर, क्यों, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये आइलैंड यहाँ पर हमारे द्वारा दे दिया गया था श्रीलंका को। तो कई बार ये मांग उठने लगती है जैसे ये फिशरमैन को पकड़ते हैं कि अपना ये आइलैंड जो है इसको वापस लेकर आओ। लोकेशन आप लोग इसकी देखना चाहोगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर, तो बिल्कुल बीचों बीच में आप लोग यहाँ पर इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। तो कई बार समझ में नहीं आता है, चले जाते हैं, कई बार जो एरिया है वो क्रॉस हो जाता है, तो इसमें गलती नहीं है, पर लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है अगर इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं। तो उसी के चलते बार बार यहाँ पर हमारी कंट्री और श्रीलंका के बीच में दिक्कतें देखने को मिलती है। थोड़ा सा उधर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट हो गया ऊपर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आप लोग यहाँ पर आएंगे, ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इस तरीके से इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा, कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। जाफना वाला रीजन हो गया यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैप को आप लोग जरूर देखते रहा कीजिए, मैप जितना देखोगे उतनी ही चीजें आप लोगों को एग्जाम में याद आएगी। तो इसके चलते कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी अगर यहाँ पर देखो। अभी हमारी कंट्री के द्वारा ट्रेंको माले जो था यहाँ पर श्रीलंका के अंदर, उनको रिन्यू करने की बात की गई है। रिलेशन के बारे में बात करें, हमारी कंट्री के द्वारा और भी हेल्प की गई है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि हमारे देश में से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर लोग जो है वो जो बेसिकली श्रीलंका के अंदर, खासकर अगर बात करें श्रीलंका की GDP क्यों बर्बाद हुई, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले बताओगे अभी, ये इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि 10% से 12% के करीब इनकी जो GDP है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, टूरिस्ट लोग, और वो टूरिस्ट लोग हैं काफी हद तक इंडियन यहाँ पर जाते हैं, ठीक है।
तो इसके चलते अभी रिसेंटली दिक्कतें देखने को मिली क्योंकि कोविड-19 के चलते वो टूरिज्म जो है वो बंद हो गया। अभी इंडिया ने यहाँ पर हेल्प भी करने की बात की थी, उन्हें जब रोने लगते हो तो चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हो, वैसे हम ही को गाली देते हो। बहुत सारे दोगले आदमी आप लोग ऐसे मिलेंगे, यानी कि जब इनको दिक्कत होती है तो तब हमारी गोद में आकर बैठते हैं कि हेल्प कर दो हेल्प कर दो, ठीक है, और वैसे हमारी ही पीठ में छुरा घोंपते हुए नजर आते हैं। ऐसे इंसान जो है इस धरती पर सबसे घटिया इंसान होते हैं, जो कि उसी इंसान से जिस इंसान हेल्प कर रहा है उसी इंसान की जो है पेट में छुरा घोंपते आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इंसान थोड़ी देर के लिए फायदा उठा लेते हैं पर जिंदगी भर एक तरीके से दरिद्रगी वाली जिंदगी आप लोगों को जीते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको सही और गलत इंसान का फर्क ही समझ में नहीं आता है। तो नॉर्मली ये इस तरीके हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। यहां पर अगर बात करें, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल एरिया के बारे में आप लोगों से बातें करूं, ये दो इंसान है, एक का नाम है यहां पर महिंदा राजपक्सा और दूसरे का नाम है गोटबिया राजपक्सा। एक टाइम ऐसा था महिंदा राजपक्सा जो थे यहाँ पर ये इनके प्रेसिडेंट हुआ करते थे और यहाँ पर ये आर्मी में थे बेसिकली गोटबिया राजपक्सा। फिर क्या हुआ यहाँ पर इनके खुद की पार्टी से निकलकर यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना ये बाहर निकले और इनके द्वारा खुद की गवर्नमेंट बना ली गई, किसके साथ है मिलकर, रानिल विक्रमसिंघे के। तो अभी कुछ लंबे समय तक यहाँ पर जो ये दोनों ये प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर और ये प्राइम मिनिस्टर रहे बेसिकली, पर लेकिन गठबंधन जो है वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया और यहाँ पर इन पे ऊपर इनकी पार्टी के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्ज लगने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो रनिल विक्रमसिंघे है और यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट है उनका गठबंधन टूटा और यहाँ पर एक तरीके से चीजें जो है वो खत्म हो गई। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, फिर से पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी जीत कर आ गई यहाँ पर। अब महिंदा राजपक्सा जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और यहाँ पर ये जो गोटबिया थे इनके भाई ये प्रेसिडेंट बन गए। तो आज की डेट में ये दोनों मिलकर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी कि परिवार गवर्नमेंट चला रहे हैं और ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठता है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा परिवार जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठता है, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री के मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ये खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से हम लोग बार बार इसके बारे में बातें भी करते हैं कि कैसे इनके साथ में नॉर्मल रिलेशन बनाने। नॉर्मल रिलेशन तो तब बनाएंगे ना जब सामने वाला बनाना चाह रहा हो, सामने वाला नॉर्मल रिलेशन बनाने नहीं चाह रहा है तो फिर कहां से नॉर्मल रिलेशन बनेंगे। तो ये कुछ इशू है जो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से भी मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली चीजें बताई हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन भी बने तो आप लोग उसके बारे में समझ पाओ, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें। अच्छा, आज ये स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं, यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों से एसे वगैरह अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पर एथिक्स के अंदर भी केस स्टडी आप लोगों के लिए कई बार बन जाती है, कोटेशन वगैरह आ जाती है लिखने के लिए अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है NI4NI only end up making the whole world blind, यानी कि अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो यहाँ पर ये दुनिया को अंधा कर देगी। ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी। और अगर यहाँ पर जिस तरीके से भी कंडीशन चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, अगर इसी तरीके सिचुएशन हर जगह चलने लगे कि सामने वाले ने मेरे सर में पत्थर मारा मैं भी सामने वाले के सर में पत्थर ही मारूंगा, तो वो दुनिया को बेसिकली बर्बाद कर छोड़ेगी, ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई है। तो ऐसी कई सारी कोटेशन जो है वो अभी आप लोगों को मेंस के अंदर जो एसे का पेपर था उसमें देखने को मिले, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा और इसके ऊपर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। और लिखने के लिए जाना का यहाँ पर जानना है आप लोगों के यहाँ पर है बेसिकली वीर तालियान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जाइएगा तो निबंध भी पोस्ट कर देगा, डेली क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है। तो रेगुलरली आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, दो क्वेश्चन रेगुलरली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, कल भी डाला था। जैसे यहाँ पर आंसर राइटिंग थोड़ा करते रहिए जितना आप लोग कर सकते हैं, लेकिन चीजें छोड़कर नहीं बैठनी है, अगर छोड़कर बैठ गए तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। एटलीस्ट ट्राई करते रहिए, आधा घंटा तो निकाल सकते हैं, इतने बिजी हो गए आधा घंटा भी नहीं आ सकता लगता है प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। हर टाइम किसी न किसी के साथ मीटिंग रहती है, पीडीएफ यहीं से जाकर डाउनलोड करना और बाकी यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल ही जाती है रेगुलरली, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, ओके। तो ये तीन जो ग्रुप है यहाँ से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं, जहां पर इकट्ठी एक तरीके से अलग अलग चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है बेसिकली इसके बारे में, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर देना है, देखता हूँ कौन सही आंसर देते हैं यहाँ पर, डिटेल में मैंने पढ़ाया था ये आप लोगों को, तो इसको सही से अटेम्प्ट कीजिएगा। बात की जा रही है कि प्रोवाइड कराने के लिए फॉर फ्री लीगल एड, ठीक है, पुअर जो गरीब तबका है सोसाइटी का यहाँ पर, तो मेंशन कर रखा है कौन से आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, आर्टिकल 39 या फिर आर्टिकल 40A। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। तो क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन सही आंसर देते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखता हूँ कौन प्रैक्टिस कौन सही से सुन रहा है, क्योंकि ये टोटल डिटेल है, मैंने डिस्कस किया था पूरा जब यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस इंपोर्टेंट डे के बारे में पढ़ाया था, याद होगा ना, मैंने डे के बारे में पढ़ाया था कि किस दिन डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद नहीं आ रहा है, मैंने तो क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को डे के बारे में, क्वेश्चन तो कम से कम याद आ जाना चाहिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद क्या रहा है, चलिए पूछ लेता हूँ। नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में बताइए यहाँ पर, किस दिन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, तो ये दोनों मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूँ कौन सा आंसर यहाँ पर देता है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। आइए अब अगले सेक्शन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, एक एक करके यहाँ पर न्यूज देखेंगे कई सारी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या क्या चल रहा है पूरे यहाँ पर, इसके बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए।
अभी हमारी कंट्री के जो सिटीजन है अभी यहाँ पर उनको वापस लाने की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनको निकालने का प्रोग्राम चला रही है, तो इवैक्यूएशन प्रोग्राम वहां पर चलाया जा रहा है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसके द्वारा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से गुहार लगाई गई है कि इंडियन सिटीजन को वहां से निकाला जाए। ठीक है, एक काफी बड़ी न्यूज कल बेसिकली वायरल हो रही थी कि यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर बेसिकली यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक रखा है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो पहुंच गया हेल्प मांगने के लिए रशिया से। ठीक है, उसको लग रहा था कि सही टाइम है यहाँ पर पैसा मिल जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर इसको पैसा वैसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये पहुंचा वहां पर, तो इसके चलते यहाँ पर यूएसए के द्वारा 55 मिलियन का यहाँ पर बेसिकली फाइन लगा दिया है। उन्होंने कहा था किस्मत खराब होती है तो बस भाई साहब तुम ऊंट पर भी बैठकर चलो तो कुत्ता काट लेता है, तो वही वाली हालत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है बेसिकली उसके ऊपर फाइन लगा दिया गया 55 मिलियन का यूएसए के द्वारा, तो ये काफी एक बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में इमरान खान की जो खस्ता हालत हो रखी है वो और ज्यादा फटीचर होती हुई नजर आएगी। अभी ऑलरेडी आप लोगों को पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर में यहाँ पर इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया, 2018 से ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। क्यों? उसका रीजन ये है कि टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है देश के अंदर में, तो इमेज पूरी खराब करा रखी है। तो ये आप लोग याद रखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होती है उसके बारे में यहाँ पर FATF बोलते हैं। ये FATF जो है यहाँ पर G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में बनाया गया था, हालांकि पहले यहाँ पर जो है इसको G8 बोला करते थे अभी रिसेंटली, पर रशिया की गंदी हरकतों की वजह से यूक्रेन के चलते जो क्रीमिया को अटैक किया था 2014 में उसमें यहाँ पर इसमें से इसको बाहर निकालकर फेंक दिया गया और अब G7 कंट्री यहाँ पर है। तो आगे आने वाले टाइम में एक एक कर अलग अलग जगह से भी यहाँ पर रशिया को निकाला जा रहा है, तो देखने वाली बात है चीजें कैसे आगे बढ़ने वाली है। ये स्टार्टिंग में काम करती थी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिस्टम में वापस न आए, यानी कि मान लीजिए किसी ने ब्लैक मनी कमा रखी है, ठीक है, टैक्स से बचा रखा अपने आपको, फिर वो सिस्टम में नहीं आना चाहिए। वो अगर सिस्टम में आ गया यानी कि लोग जो है इसको नॉर्मल पैसों के तरीके से यूज करने लगे तो उसका पर्पज सिद्ध हो जाएगा, तो इसी के चलते वो रोका जाता है। और इसके चलते अभी यहां पर आगे चलकर 2001 में बनी, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफरेंस। ठीक है, यहां पर क्या था, ये 1989 हो गया, ठीक है, यानी कि 1900 यहाँ पर आप लोगों 1989 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर जो चीजें हो गई 2001 यानी कि 2001 में टेररिज्म भी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर बेसिकली जो बिल्डिंग थी उसके अंदर से यहाँ पर हवाई जहाज निकाल दिया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा, तो लगभग 3,500 लोगों की जान चली गई थी। तो उसके चलते यहाँ पर फिर क्या किया गया कि उनके पास में जहाज कहां से आया, किसी ने तो फाइनेंस किया होगा, कहीं से तो पैसा आया होगा, तो उसके चलते वहां पर फिर उसको एक तरीके से टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसके अंदर डाल दिया कि रोकना है चीजों को, कोई चीज ऐसे आगे बढ़ने नहीं चाहिए। तो टोटल 39 के करीब मेंबर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, पाकिस्तान अब तक ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कोई भी अगर 3 मेंबर है ना यहाँ पर, अगर उसको वीटो कर दे यहाँ पर जो चीजों को, तो फिर यहाँ पर उनकी मान ली जाती है, रुक जाती है चीजें। तो यहाँ पर 3 मेंबर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आसानी से मिल जाते हैं, जैसे तुर्की हो गया, ठीक है, अपना इनका चाइना हो गया, ठीक है, इसी साथ में मलेशिया हो गया, तो कई सारे ऐसे देश हैं जो आराम से इनके पखवाड़े में आकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इनकी नैया जो है वो चल रही है। पर लेकिन आखिर वो ये कि दूसरों के जो कंधे पर पैर रखकर या फिर हाथ रखकर आप लोग चलना, सॉरी, कंधों पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हैं, अगर दौड़ना है तो आप लोगों को बेसिकली अपने पैरों पर ही दौड़ना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कब तक सिचुएशन होते हैं, पर लेकिन वास्तव में इमरान खान साहब की जो है वो सही नहीं चल रही है, ग्रह उनको किसी मौलवी या पंडित से मिलकर अपने ग्रह की जो है दशा चेक कर लेनी चाहिए कि मुझे फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट एक टॉपिक आप लोगों को हो जाता है और कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। यूनियन लॉ सेक्रेटरी जो है उनको एलिवेट कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का जज बेसिकली। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात है, यहाँ पर इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है अनूप कुमार। ठीक है, तो आखिर यहाँ पर ये जो मुद्दा है ये कैसे होता है, अगर आप लोगों को बोले किसी को जज बनना है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कई सारी बातें यहाँ पर। तो पहले बोला गया कि पर्सन जो है वो शुड हैव बीन बैरिस्टर फॉर मोर देन 5 ईयर, इन ये 5 साल तक उसने एक वकालत की हो, ठीक है, इसी के साथ में, या फिर वो सिविल सर्वेंट रह चुका हो 10 साल तक, ठीक है, या फिर सब क्या जिला कोर्ट के अंदर में एटलीस्ट 3 साल तक का पर्सन जो है यहाँ पर एक तरीके से एक नहीं लंबे समय तक यहाँ पर एक तरीके से हाई कोर्ट के अंदर प्लेडर के तौर पर उसके द्वारा काम किया गया हो, तो इसकी एज जो है वो 62 के एक तरीके से नीचे होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये सारी चीजें अगर है तो यहाँ पर वो इंसान जो है उसको एलिवेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट यूनियन लॉ सेक्रेटरी जो है अनूप कुमार जो है उनको हाई कोर्ट का जज अभी यहाँ पर बनाया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें न्यूज में आ गई है। जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है कुछ बातें जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 217 नोट डाउन के रिवीजन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 217 के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं ये आप लोगों को बताना है। कोलेजियम सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, ऐसे यहाँ पर हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आता है।
जिसके बेस पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है। तो यहाँ पर ये कई सारी बातें हैं। हालांकि कोलेजन सिस्टम जो है उसके बारे में आप लोगों को बताया था, कोलेजन सिस्टम के बारे में याद रखिएगा 1981 में यहाँ पर निकल के आया था पहली बार फर्स्ट जज केस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जज केस था, यहाँ पर सारा काम पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किया करते थे, फिर यहाँ पर बोला कि अकेला इंसान क्या क्या देखेगा, तो आगे चलकर फिर यहाँ पर लगा कि मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड जज केस आया 1993 में, तो कोलिजन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि कोलिजन सिस्टम कहीं भी संविधान में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो कोलिजन सिस्टम यहां पर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप लोगों को चार जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। तो पांच इंसान जो है वो यहां पर ये काम करते हैं, कैसे बेसिकली अपॉइंटमेंट करना है। स्टार्टिंग में हालांकि तीन थे, फिर आगे चलकर दो और एड कर दिए, इनके जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा रहेगा, उतने ही ज्यादा यहां पर अच्छे डिसीजन यहां पर लिए जाएंगे। तो वही कोलिजन सिस्टम जो है वो यहां पर काम करता हुआ नजर आता है, जिसके बेस पर यहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है। हालांकि गवर्नमेंट जो है उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी, तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे। याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट था, 99th, जो कि एक तरीके से यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोला गया था, जिसको आप लोगों ने NJAC बोला था, या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पर लेकिन यहां पर ये टिक नहीं पाया। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन यहां पर ये था कि हमारी कंट्री में बेसिकली जो आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। 1973 में यहां पर केशवानंद भारती के द्वारा बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, और यहां पर ये बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट है, कोई किसी की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता है। तो यहां पर अपना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है। तो यहां पर अगर कल को चलकर अगर NJC के हिसाब से अपॉइंटमेंट करते हैं, जिसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होंगे और जुडिशियरी के मेंबर होंगे, तो यहां पर उससे दिक्कत क्या होगी, कल को चलकर दिक्कत ही हो सकती है कि जो जुडिशियरी है वो प्रेशर में आ सकती है उनकी अपॉइंटमेंट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से आकर घुस जाएगी। तो NJCA को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए, और इंडिपेंडेंसी को हट करेगा ये बातें बोलते हुए, ठीक है। तो ये वो सारे बेसिक पॉइंट है जिनके ऊपर पास्ट में भी क्वेश्चन बन चुके हैं, और आगे भी क्वेश्चन बन जाए तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें आराम से पूछी जाती है, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, और 62 ईयर आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगों को चीजें बताई थी कि 62 ईयर भी यहाँ पर आप लोगों को उनकी एज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेसिक बातें। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा भी यहां पर ये चल रहा है कि एक तरीके से क्लैरिफाई करने की बात की जा रही है, लीगलिटी ऑफ बिटकॉइन। लीगलिटी ऑफ बिटकॉइन का क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है, आप लोगों ने देखा अभी हमारी कंट्री में 33% यहाँ पर 30% यहाँ पर टैक्स लगा दिया गया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। पर लेकिन यहां पर हमारी कंट्री में ये बोल दिया गया था कि यहाँ पर RBI के द्वारा कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह इनको यूज करने ही नहीं देंगे। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए थे यहाँ पर, ठीक है, याद होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस पहुंचा कि आखिर क्यों नहीं यूज करने दोगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी उनका व्यापार वगैरह है आप लोग उसको ऐसे इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए RBI को ये बोला कि रेगुलेट करना है, ना कि आप लोग इसको बैन करना है। तो ये बात यहां पर निकल कर आई। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो ये छोटी छोटी बातें देखिए कई बार आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए बिटकॉइन जो हो गया वो एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, एक तरीके से डिजिटल करेंसी हम लोग बोल देते हैं। क्रिप्टो का मतलब एक तरीके क्रिप्टो करेंसी यानी कि आभासी करेंसी, ठीक है। तो यहां पर उसके अंदर बिटकॉइन हो गया और भी कई सारी है, जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर रिपल हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसी के साथ में लाइटकॉइन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इथेरियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी अलग अलग करेंसी हैं, ये सारी क्रिप्टो करेंसी कैटेगरी में आ गई। इन्हें क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक बड़ी टर्म होगी, उसके अंदर ये सारी अपने आप में अलग अलग करेंसी होगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी तो एक मेन टर्म दे दी उनके लिए, ठीक है, कि हाँ ये वाली क्रिप्टो करेंसी है। उसके अंदर अब डिवाइडेड हो गया, ये बिटकॉइन हो गया, ये यहाँ पर एक तरीके से लिटकॉइन हो गया, ये लाइटकॉइन आप लोग बोल सकते हैं, ये इथेरियम हो गया। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसने बोला कि मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा और मेरे से बताया नहीं गया। यार ये तो कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसका मतलब चीजें ध्यान से नहीं सुनते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, इवन आप लोगों से इंटरव्यू भी कौन सा ये ऐसे नहीं, बैंकिंग के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं शायद, किसके यहाँ पर बोलते हैं ये चल रहे हैं फिर चलने वाले हैं, पता नहीं मुझे आइडिया नहीं है, ये PO वगैरह के या फिर इनके SO वगैरह के। तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग वहां पर भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में अगर एक अंदाजा आप लोगों को होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और माइंड में आप लोगों की उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी रहने वाली। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो कि आप लोग याद रखते हैं, और खासकर अगर कोई मुद्दा आया करे उसके साथ में आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन एंगल जरूर ढूंढा करो,
क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़ा सा एडवांस में जब जाकर पूछने लगता है पर्सन, तो फिर यहाँ पर ये भी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल भी है। वोलेटाइल मतलब जरा सी देर में ऊपर चली जाती है और जरा सी देर में नीचे आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा था यहाँ पर जब मैंने आप लोगों से बातें भी की थी, यहाँ पर इलोन मस्क साहब के द्वारा बोला गया वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये करेंसी जो है वो आसमान छूने लगी। पर लेकिन जैसे इलोन मस्क साहब के द्वारा बोला गया नहीं वो इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर वैसे ही रामदेव से नीचे आकर गिरी। चाइना ने बोला कि यहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे। तो कोई करेंसी अगर इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है किसी के क्षण भर बोलने से, तो फिर उस करेंसी का मतलब क्या रहेगा? समझ रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट वो करेंसी डाल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया थोड़ा सा कि इसको अलग तरीके से देखने की कोशिश की गई, ताकि चीजें जो हैं वो थोड़ा सा कि अपना खुद की करेंसी लेकर आते हैं, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत भी हो जाए तो उसको संभाला तो जा सके कम से कम। पता चला यहाँ पर संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से सिचुएशन तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इसके बारे में याद रखते हैं। एक एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर एक इनके इनके चलते यहाँ पर अभी यहाँ पर ये न्यूज में आ गए, क्योंकि यहाँ पर अभी इनकी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन अगर कल को कोई बन जाए तो आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर कई बार यहाँ पर इनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से भी जानते थे, और हमारे देश में कई सारे काम इनके द्वारा किए गए। अगर बात करें, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा स्कीम इनके बारे में कई बार, जो वेदों के ऊपर ध्यान देने की बात की गई। वेदों को तो चलो एक बार को बात तो आप लोग बाद में करेंगे। आप लोगों ने आर्य समाज के बारे में पढ़ा है ना, आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज की जो बेसिकली स्थापना है, फाउंडर जो है, वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। और वेदों के ऊपर फोकस देने की बात भी इनके द्वारा की गई कि वेदों के ऊपर फोकस देना है। और इसी के साथ में यहाँ पर अपनी कंट्री में यहाँ पर अगर बात करें तो इनके द्वारा एक नारा दिया गया था जो कि काफी ज्यादा प्रचलित हुआ कि इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है। तो ये हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, इसलिए स्टेटिक पोर्शन थोड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को। इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें इनके द्वारा बोली गई थी, जो कि आगे चलकर जो लोकमान्य तिलक साहब के द्वारा उसको रिचुअल के तरीके से लिया गया, उसको फॉलो किया गया इस नारे को पकड़कर। तो इनके इनके द्वारा ये सारी चीज देखने को मिली। और इसी के साथ में यहाँ पर जो वेदों को ध्यान में ध्यान से देना पढ़ना उनके ऊपर फोकस किया गया। और इवन महिलाओं को, देखिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी जब होती है ना वो तभी होगी जब महिलाओं को साथ में लेकर चला जाएगा। तो इन्होंने महिलाओं को भी यहाँ पर अधिकार देने की बात की गई, खासकर एजुकेशन जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ऊपर रखी गई। इसलिए मैं बोलता हूँ आज के डेट में अगर घर में कोई लड़की है तो उसका एजुकेशन दो, भले ही एक बार को दहेज मत देना, क्योंकि दहेज अगर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इंसान जो है वो पढ़ के लिखकर अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएगा। वरना आज के डेट में ना 20-20 35-35 40-40 लाख दहेज देने के लिए इंसान तैयार रहता है, पर लेकिन उसकी पढ़ाई पर यहाँ पर 50-60 हजार रुपए खर्च नहीं करेगा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, तो एक बड़े ही नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें जाती है, तो वहां से निकलना चाहिए। तो लड़कियों को वोटिंग के राइट दिए जाते हैं आज के डेट में, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पहले यहाँ पर उनके लिए भी लड़ाई करनी पड़ी थी। आप लोगों को बात करूं, हमारा देश बड़ा ही एक महान देश आप लोग बोल सकते हैं, अपने देश को महान देश आप लोग बोल सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर है कि हमारा देश ऐसा है कि जैसे ही देश आजाद हुआ 1947 में, हम लोगों ने सबको वोटिंग राइट दे दिए, जो कि 21 साल से आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊपर हुआ करते थे। हालांकि बाद में चलकर इसको 18 साल कर दिया गया, पर लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को अधिकार दिए ही नहीं गए थे वोटिंग के, उनको अपनी लड़ाई कर अपने अधिकार जो है वो यहां से छीनने पड़े थे। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या थी यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आज की डेट में हम लोग एक ऐसे देश में बैठे हुए जो पुराने टाइम से ही काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंड का देश आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये काफी एक प्रोडक्टिव बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी ये छोटी सी न्यूज आप लोगों को और देखने को मिलेगी जो यहाँ पर बिजनेस सेक्शन वाले सेक्शन में, यहाँ पर सीबीआई के द्वारा यहाँ पर जो एनएससी इनके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो फॉर्मर जो ऑफिशियल हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ पर। आखिर रीजन क्या था? तो मैंने हिमालयन योगी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। हिमालयन योगी मतलब हिमालयन योगी ऐसा है कि आप लोग बोलो कि मेरी जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो कोई आप लोग बोले जैसे आप लोग की जॉब लगनी चाहिए, और कोई आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली फोन करके बोले कि हाँ मैं जो है मैं यहाँ बाबा हूँ, बहुत साधु साधु बाबा हूँ, और मैं बताता हूँ तुम्हारी उस दिन जॉब लग जाएगी, बस तुमको मेरा एक काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि यहाँ पर आकर एक भंडारा करवा दो तुम और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, ठीक है। या फिर कोई ऐसी ऐसी बातें बताएगा जिसपे लोगों को विश्वास जाता है कि उस मंदिर पर उस टाइम जाकर उस दिन जाकर उस स्तर पर ये चढ़ावा चढ़ा देना, या फिर आप लोग कुछ और बोलेंगे, तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जाने के बाद भी कैसे कोई इस तरीके से चक्कर में आ जाता है। तो यहाँ पर रामकृष्णन जो थी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर वुमेन जो कि यहाँ पर
एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर थी, उनको एक हिमालयन योगी का फोन आता है और हिमालयन योगी बोलते हैं कि सुब्रमण्यम नाम का इंसान है, उसको क्या करना है, उसको तुमको अपना एज ए एक तरीके स्ट्रेटेजिक जो एडवाइजर के तौर पर उसको रख लेना है और उसको ज्यादा काम मत देना, उसको बेसिकली ऐसे रखना कि वो ज्यादा मतलब टेंशन ना हो और आराम से उसकी जिंदगी चलती रहे, तभी तुम एंजॉय कर पाओगे। ये सारा खुलासा भी निकल कर आ रहा है कि ऐसी ऐसी हरकतें भी चल रही है देश के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, तो काफी बड़ी बेइज्जती हुई हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चल क्या रहा है, ये आखिर देश के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कैसे चल रही है। तो हिमालयन योगी का कॉन्सेप्ट जो है ये यहां से निकल कर आया, ठीक है। तो पूछ ले अगर हिमालयन योगी आइडेंटिटी क्या हो रही है यहाँ पर, तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा। और एक किताब के बारे में मैंने बताया था, हिमालयन योगी बुक के बारे में, उस बुक के राइटर कौन थे बताइए जरा, अभी दो तीन दिन पहले मैंने किताब भी आप लोगों को बताई थी। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को पता है, हिजाब कंट्रोवर्सी हमारे देश में काफी ज्यादा अभी रिसेंटली बढ़ती हुई नजर आई, तो यहां पर ये बोला गया कि अगर बात करेंगे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उसमें आर्टिकल 25 जो है वो हक देता है, अधिकार देता है कि आप लोग अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हो, अपने रिलीजन की चीजों को आप लोग आगे लेकर चल सकते हो। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर जैसे यहां पर ये केस पहुंचा तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेसिकली हिजाब को यूज करने से मना कर दिया जब तक कि यहां पर केस जो है वो कोर्ट के अंदर में है। तो इसके चलते यहां पर कई सारी बातें निकल कर आई थी, हालांकि उनके द्वारा और भी बहुत सारे मुद्दे देखे गए थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो रही थी यहां पर, तो उसके चलते इनके द्वारा बोला गया सिचुएशन जो है कंट्रोल करना जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोग जाएंगे तो सातवें शेड्यूल में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की जाती है, क्योंकि जब बात करते हैं सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कौन-कौन लिस्ट, तो लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर स्टेट लिस्ट में रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। और एजुकेशन को कहां पर रखा गया, याद रखना एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। 1976 में यहां पर 42 कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट किया गया था उस टाइम पर यहां पर इसको इसके अंदर लाया गया ताकि यहां पर गवर्नमेंट को काम कर सके अच्छे से, इसके ऊपर वो बना सके। अभी मुद्दा क्या है, यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा रिजर्व रख लिया गया है प्रेडिक्ट, ठीक है, जो रिजर्व रख लिया गया है वर्डिक्ट जो यहां पर फ्लिप हो जाती है कि कैसे इसको यूज करना है, तो देखते हैं क्या कंडीशन अभी निकल कर आती है। और अलग अलग देश के अंदर यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में, हालांकि यूक्रेन का मुद्दा चला तो अभी थोड़ी दब गई, उससे पहले बहुत ही ज्यादा यहां पर ये बढ़ गई थी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, दूसरा यहां पर ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले भी केरला के अंदर केस था यहां पर, जैसे तांडव डांस जो किया जाता है यहां पर उसको बोला गया था कि पब्लिक में आप लोग नहीं कर सकते, वो रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, ऑलरेडी ये बोला जा चुका है। इसी के साथ में यहां पर एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का था जो कि आर्मी में था एयरमैन, वो यहां पर दाढ़ी रखने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पर एक्ट है पर्टिकुलर उसका बेसिकली एयरफोर्स का, वो दाढ़ी रखना अलाउ नहीं करते। तो सबके अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये बोला जाता है कि इंडिविजुअल का जो अधिकार है, अगर यहां पर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और कोई कंपनी है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई ग्रुप है, अगर उसके अधिकार के बारे में बात करेंगे तो इनका अधिकार जो है वो प्रेफरेंस किया जाएगा यहां पर, क्योंकि इंडिविजुअल की बात की जाती है तो वो एक अलग बात है। इसलिए कई सारे लोगों ने बोला जब स्कूल की बात करते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर ड्रेस होती है, तो अपनी प्रॉपर ड्रेस में ही इंसान को वहां पर आना चाहिए, बिना एक तरीके से कोई कुछ पहन कर रहा है कोई यहां पर उसको रोकना चाहिए, ऐसी बातें यहां पर बोली गई थी। तो ये केस भी यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई अकेला केस है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इसके साथ में जो कि कनेक्ट है। तो ये दो केस जो मैंने भी आप लोगों को बताया यहां पर, ये भी अगर लिखने के लिए आ जाए ना, कई बार आप लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए पूछ लिए जाते हैं, और जैसे जैसे यहां पर ये न्यूज में है अभी, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बनकर सामने आते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी यहां पर आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जो है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बातें की गई, तो उसमें इंडियन को कैसे आराम से निकाला जाए उसके बारे में बातें की गई। तो रशिया के द्वारा यहां पर अपना जो इनवॉय है वो दिल्ली यहां पर भेजा गया, ठीक है, तो यहां पर जो डेनिस साहब हैं वो यहां पर अभी इंडिया के साथ में बातें कर रहे हैं कि कैसे चीजों को नॉर्मल यहां पर किया जा सकता है, खासकर इंडिया के जो सिटीजन है उनको वहां से निकाला जाए। 20,000 के करीब जो बच्चे हैं वो फंसे हुए, उनके जो माता पिता हैं उनकी सांसें यहां पर अटकी हुई हैं, तो ये सिचुएशन अगर नॉर्मल नहीं हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिल सकती है, तो उसी के चलते यहां पर ये सारी बातें की जा रही है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, फिलहाल अभी इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक खुशखबरी है, यहाँ पर आप लोगों को पता है मीराबाई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओलंपिक सिल्वर मेडल जब इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है, अभी यहाँ पर इनकी अपनी कॉमनवेल्थ की जो सीट है वो भी यहाँ पर बुक कर ली गई है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। सिंगा के अंदर जो वेट लिफ्टिंग चल रही थी यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें इनके द्वारा काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर जीती दी गई यहाँ पर भी, तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अच्छा, कौन से राज्य से आती है निकलकर बताइए जरा, देखता हूँ किस किस को बताया। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मोस्ट जो टॉप पर रहने वाला प्लेयर जो है वो नोवाक जोकोविच है, उसके बारे में बात की जा रही है, रोजर फेडर कियो के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर बेसिकली, तो आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में देख सकते हैं टेनिस के बारे में कि वुमेन टॉपर कौन रही, ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन टॉपर है, तो यहाँ पर ये काफी लंबे समय तक टॉपर बना रहा है इंसान, तो आसान काम नहीं था, तो काफी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसी के साथ में सुडोकू है आज का, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये आप लोगों के माइंड को स्टेबल करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर बात करें क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, ठीक है,
तो यहाँ पर हिमांशी के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। पहला तो नेटो के बारे में आप लोगों से बातें की थी, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर नेटो जो है वो 1949 में आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर हमारा भी नाम यहाँ पर आ सकता है क्या? यार नाम यहाँ पर किसी का भी आ सकता है, मैं बोलता हूँ जैसी वीडियो आती है उसके एक घंटे के अंदर अंदर आप लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और आंसर थोड़ा प्रॉपर वे में लिखें ताकि मुझे यहाँ पर लगाने में थोड़ा लगे कि मैं समझाऊं तो मुझे आसानी रहे समझाने में, तब यहाँ पर थोड़ा फायदा रहेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग थोड़ा काम करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर देखने को मिलेगा और टोटल 30 मेंबर है। अगर यूक्रेन इसके अंदर ऐड हो जाता तो 31 हो जाते, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो रशिया जो है वो इसकी वजह से गुस्से में हो गया काफी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर हेड ऑफ द आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मृत्युंजय महापात्रा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी ये सेंटेंस मैंने फॉर्मेशन करने की बात की थी तो काफी अच्छे से इनके द्वारा सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो आज का डिस्कशन इतना ही है यहाँ पर, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा अच्छे से। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और चीजों को अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन का जो आंसर था, ये क्वेश्चन के आंसर क्या है इसका यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर, ये है इसका आंसर 19th, ये यहाँ पर 39A। ठीक है, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर। तो याद रखिए कि डीपीएसपी के अंदर में यहाँ पर ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर जब लीगल सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो फीडबैक जरूर देना वीडियो को, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।